अच्छा वो फेमस होगा तो उसका भी राखी आ जाएगा, इस हाथ में ना बांधा जाता है। इस हाथ में तो टप्पू कैसा लग रहा है राखी बंधवा कर? अच्छा। राखी दिखाओ बेटा। लेकिन लिट्टी सिंगा वाला मोटू पतलू वाला है। हाँ। अच्छा अगले साल लिट्टी सिंगम वाला भी हो जाएगा। गिफ्ट दे दिए दीदी को। हाँ, ये देखिए। अब तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक गिफ्ट है। थैंक यू। लेकिन उसको कब कटिंग अभी खाओगे? हाँ। अभी ठीक है खा लो। दिखाओ दिखाओ इधर दिखाओ, सबको दिखाओ दिखाओ ना, इसका डब्बा बहुत ही अच्छा है, दिखाओ अच्छे से ऊपर करके दिखाओ डब्बा। टोपी भी देख लीजिए। अच्छा टोपी भी है। हाँ देखिए, ये बहुत 10 रुपए। टप्पू तुम्हारे लिए तो खाना भी आ गया है। देखिए तो टप्पू के लिए हर बार खाना आ जाता है जो इसकी दीदी इसको राखी बांधती है, तो रक्षाबंधन के दिन उनके ही घर से टप्पू के लिए खाना आ जाता है ना टप्पू? इधर देखना, आज मैं अपने भाई के पसंद का खाना बनाऊंगी, उसकी फेवरेट सब्जी बनाऊंगी, आलू सोयाबीन की सब्जी जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बचपन में वो सोयाबीन को रसगुल्ले की सब्जी बोलता था, तो जो कि अभी तक उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो आज मैं वही बनाऊंगी। मायके नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ से दूर भी है और कुछ रीज़न भी है, पिछले साल मैं गई हुई थी तो मैं पहले ही उसको राखी भेज दिया है। बड़ी बहन मेरी आई हुई है, उसको वो राखी बांध देगी, तो लेकिन आज वो यहाँ नहीं भी है, फिर भी मैं उसके पसंद का खाना बनाऊंगी और खाऊंगी। मैं सबको मिस तो बहुत कर रही हूँ लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं इधर ही अपने मायके कुछ दिन पहले गई हुई थी, वहाँ कुछ दिन रह के आई हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, चलिए बनाते हैं सब्जी उसके पसंद का, अपने भाई के पसंद का। टप्पू का राखी पहले ही आ गया था क्योंकि इस बार हम लोग नहीं जाने वाले थे तो मैंने बता दिया था, तो टप्पू का राखी भी आ गया था। और यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस साल हम लोग नहीं जा पाते हैं रक्षाबंधन में, तो वही बांध देती है उसकी दीदी जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया था, इसे तो हर साल बांध देती है। हम लोग जाने लगते हैं तो राखी भी दे देती है। जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी मेरी हमेशा रक्षाबंधन के दिन यही खाना बनाती थी और हम भाई बहन सब बैठकर बहुत मज़े से खाते थे और इन्जॉय करते थे, तो मैं कहीं भी रहती हूँ रक्षाबंधन में तो मैं भी यही खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, याद करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा पर्व है ये, एक भाई बहन का पवित्र त्यौहार है जो कि बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है और अच्छा भी लगता है कि मैं मिस बहुत ज़्यादा आज कर रही हूँ सबको। अभी मैंने वीडियो कॉलिंग पर बात भी किया है, मेरी दीदी जो है वो उसको राखी बांध रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे आँख में आंसू आ गए कि मैं इस बार नहीं जा पाई, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल मैं ज़रूर जाऊँगी। अब मैं पूरी बना रही हूँ, मैंने भी नहा लिया है, मुझे तो किसी को यहाँ राखी बांधना था नहीं, तो मैंने कुछ मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, बस नहा के आने के बाद बस मॉइस्चराइज़र लगा कर हो गया बस मेरा। टप्पू का खाना तो आ गया था आंटी के यहाँ से, तो वो थोड़ा सा बस खीर खाकर वो सो गया है और यहाँ अब हम और जीत खाएंगे। दोपहर के सिर्फ अभी 12 बज रहे हैं लेकिन त्यौहार के दिन तो लेट हो ही जाता है, फ़ोन से बात करने लगी, वीडियो कॉलिंग पर सब भाइयों से बात करने पर थोड़ा सा टाइम लग गया मॉर्निंग में, तो इसीलिए आज खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। आज नाश्ता भी नहीं बना था, डायरेक्ट हम लोग खाना ही खा रहे हैं। भगवान जी को मैंने राखी चढ़ा दी है, लड्डू गोपाल जी को मैंने राखी बांध दिया है, मैंने वो सब नहीं दिखाया वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, वो सब भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, धीरे धीरे दिखाऊंगी, अभी मेरा शुरुआत है तो
और थोड़ा सा होता है ना कि शुरुआत में आप उतना खुलकर नहीं आ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा वीडियो पसंद है, आप लोग क्या देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को मैं दिखाऊं। मैंने स्टार्ट तो इसीलिए किया है कि आप लोग जो